और रायसेन के जिला खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में वंदे मातरम और मध्य प्रदेश गान का आयोजन किया गया। इसके बाद आकाशवाणी के प्रसारित स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी संस्मरण और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश को सुना गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों, आश्रम शालाओं समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर विधायक प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन और कलेक्टर अरविंद दुबे ने किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने छात्र छात्राओं को कहा कि शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, प्राणायाम समेत अन्य योगासन जरूर करना चाहिए। योग से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है, एकाग्रता और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस बीच मैराथन के विजेताओं को मेडल और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। मोहन यादव जी का संदेश का भी यहाँ हम लोगों ने उनको यहाँ पर सुना। मैं सभी को यही बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार को अगर अपने जीवन में अगर वो शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, हर तरीके से फिट रहेंगे। इसलिए बच्चों से मेरा यही है कि वो अपना समय निकाल कर इसको अपने जीवन में शामिल करें। युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यहाँ सामूहिक सूर्य नमस्कार किए गए। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ और बहुत सारे बच्चों ने, हमारे पूर्व माननीय मंत्री जी ने, वर्तमान विधायक जी ने, और बड़ी संख्या में बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसके अलावा 21 जून को योग दिवस में भी बड़ी संख्या में योग है, तो योग के प्रति जो चेतना आई है, लोगों ने उसके महत्व को समझा है और निश्चित रूप से नियमित रूप से योग करने से आने वाली पीढ़ी और भी शारीरिक और मानसिक रूप से और शक्तिशाली और बलशाली बनेगी और निश्चित रूप से देश के लिए अपने जो भी कर्तव्य उनका अच्छे से निर्वहन।